अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आज हम जा रहे हैं लंदन, तो अभी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं लंदन के लिए। 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र है, तो देखेंगे अब लंदन घुमाएंगे आपको इंशाअल्लाह। और आज सुबह ज़बरदस्त खूबसूरत बेहतरीन मैनचेस्टर की तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर है। इतना सुकून है, ये आप मेरे पीछे भी देख लें और मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत कोई यार कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, इतना सुकून सा माहौल है, रिलैक्स बंदा रहा है, कोई टी टी पे पे नहीं। कराची पाकिस्तान में जो होता है यार, दुआ करते हैं अल्लाह करे हमारे मुल्क को भी, हमारे शहर को भी इस जैसा बनाए। 100 साल चाहिए हमारे मुल्क को इस जैसा बनने के लिए। अगर वो भी अगर आज से स्टार्ट होकर काम करना स्टार्ट होते हैं तो 100 साल चाहिए हमें ऐसा। हम तो ना देख सकें, हमारी शायद सेकंड जनरेशन ही देख सके। तो जी, लंदन जाने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए, और वॉक के साथ साथ आप लोगों को ये दिखा भी दिया जाए कि यार लोग ज़िंदगी होती क्या है, लोग जो हैं वो रहते कैसे हैं, हम जो एक कचरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ये माहौल देखो यार, लुक एट दिस यार। मतलब ये मैं वॉक कर रहा हूँ, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। सही है, अगर आप ये आगे देख सको कितना खूबसूरत ये, यकीन मानो ये कराची होता ना, ये अब तक घिर चुका होता। ये मैं चाइना, इसमें चाइना कटिंग हो चुकी होती और ये अब तक प्लॉटिंग व्लॉटिंग हो चुकी होती इस पर। अब ये घर, ये जो इसका लॉन है ना, ये इसके घर का हिस्सा है, ठीक है। अगर ये चाहे तो ये अपना घर आगे कर ले, बट इसको अलाउ नहीं है, इसको अलाउ नहीं है कि ये अपना घर इस हुदूद से आगे कर ले, क्योंकि इसको लॉन भी रखना है। वो इसकी जो है इसका जो मैप है घर का या नक्शा जो होता है उसमें है, इसको पार्किंग पार्किंग भी छोड़ना है। और इसी तरह ही आपको सारे इस तरह के घर मिलेंगे। तो ज़िंदगी तो यार ये लोग जी रहे हैं, हम लोग तो बस गुजार रहे हैं। एक एक चीज़ होती है फुटपाथ, ये जो फुटपाथ है ना भाई, ये चलने के लिए है यार। ये आप उस तरफ देखें, ये फुटपाथ जो है वो चलने के लिए है। ये ठेला खड़ा करना, रेडी लगाना, ये इसके लिए नहीं होता है। खैर, कौन समझाए आप अपना वहाँ। पार्किंग क्या चाह रहे हैं ये? चलो यार, लंदन के रास्ते में अभी लंदन पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। थक गए। In 60 roundabout, take the third exit onto the M6 toll slip road. हाँ, सही आ रहे हो, सही। हाँ जी, अभी एक जगह उतरे हैं, सर्विसेज कहते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर आप टूल से अगर आगे जा रहे हैं लंदन की तरफ, तो थोड़ा सा आप रेस्ट वेस्ट कर लो यहाँ पे, और मतलब फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खा लो, अगर नींद आ रही है तो सो भी जाओ। तो ये वो जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस लाइक देखें कितने सारे लोग आए हुए हैं यार, कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और जितने सारे लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, फ्यूल फिल कर रहे हैं। ये पूरा है दिखता है, सर्विस इज लाइक अ सर्विस है। यहाँ राइट साइड पे जो है वो टॉयलेट है, और अंदर जो है वो इस तरह राज कॉफ़ी, मैकडोनल्ड्स, फ्रेश फूड।
वो आ गई यार टॉयलेट। तो मैं अभी टॉयलेट से फारिग हो गया हूँ, बस सब चलते हैं, जाके बैठते हैं पार्किंग में, फिर चलते हैं लंदन के लिए। गैंग आया अभी बाइक्स का और यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी, कोस्टा कॉफ़ी। और आप क्या कर रहे हैं भाई? अभी आपको जाना है पहचाने, फिल्म की शूटिंग हो रही है यहाँ पर हमें। अरे भाई सबने मुंह पे हाथ पे हाथ पे हर जगह टाया टैटू शैटू। ये देख यार भैन क्या गुंडे बदमाश हैं ये तो सारे। अबे उन्हीं भी कौन सी फिल्म की शूटिंग कौन सी फिल्म? अच्छा जी ये देखें आपको मैं हार्ले डेविडसन के जो गैंग है ना, गैंग जो अभी उतरा, मैंने आपको गैंग दिखाया उनकी बाइक्स हैं, चेक करें यार। नहीं कौन सी, सारी एक जैसी हैं हार्ले। ये साले कहीं ना कहीं जा रहे हैं अभी सारे, है ना? ये भी गली कौन सी है सर? अंडरटेकर आता है इस पे, ये देखो आप। ये कौन सी है? ये है हार्ले डेविडसन ही है, लेकिन इसके वर्जन वर्जन सारे अलग हैं इसके। ये देखो ऑरेंज वो और ये आखरी, ये ओल्ड शेप लग रहा है मुझे, पता नहीं बाइकों का मुझे इतने बार इतना पता नहीं है, लेकिन द गैंग यू नो। रॉयल एयरफोर्स का जहाज ऊपर गिरा हुआ है, कहाँ पे? बिल्डिंग के ऊपर। इसका मतलब है कि अगर आप मर भी रहे हो तो यहाँ गाड़ी नहीं रोकेंगे आप। भाग अर्जुन गूगल लंदन आते ही उसका लंदन एक्सेंट हो गया गूगल का भी। हाँ और क्या, खुद तो देख ना नीचे देख के। ये अभी लंदन में हमारे जो है वो मिला है। क्योंकि हम लोग जो हैं वो हम लोग असल में 16 अफराद थे, इस वजह से हमें कोई घर नहीं मिल रहा था लंदन में, तो ये हमें मिल चुका है। ये किचन देखें आप, ये किचन है। ओह आई थिंक आई डोंट नो इट्स अ लॉक। ये है बेडरूम। वाओ यार अम्मी मामू ऊपर आए, ये ऊपर एक ये एक बेडरूम है। इधर से बनाऊंगा बहुत देख के एक्साइटमेंट। वॉशरूम वॉशरूम
ये भी रखा हुआ है, ये क्या? हीटर है, स्टोर स्टोर है। अच्छा, ये क्या? वॉशरूम बहुत जबरदस्त जो है वो मिल गया। अच्छा ये रूम टॉयलेट है यार, ये तो मास्टर टॉयलेट है, पता है इतने बड़े तो पाकिस्तान में। लंदन पहुंच चुके हैं और अभी लंदन की स्ट्रीट्स पर वॉकिंग कर रहे हैं लंदन ब्रिज के लिए, और अदर जो अट्रैक्शन इसकी हैं उधर जा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। ये है क्योंकि सेंट्रल लंदन में आप गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते, गाड़ियां पार कर दी हैं, और अभी हमारे साथ काफ़ी बंदे हैं, तो ये है कि साथ खैर से अल्लाह ताला चले जाएँ और वापसी आ जाएँ। ये अंडरग्राउंड आराम से उतरना भाई। ये आई बिल्कुल भाई, चलो कुछ तो अच्छा दूर मार्केट राइट पे साइकिल के तो हम ये पूरा ट्यूब मैप का पास है। ये आप पॉज करके चेक कर लेना क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हैंगर लैन और ये और हम लोग बैठे हैं अभी ये सेंट्रल लाइन, इसमें जो आप ये चौथा स्टॉप देख रहे हैं ना हैंगर लैन, हम यहाँ से बैठे हैं और ये हमें जाना है आगे ऑक्सफोर्ड सर्कस में, ऑक्सफोर्ड सर्कल तक हमें जाना है, वहाँ से फिर पैदल का सफर।